ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय धर्मशाला में बजरंग दल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए CAA और NRC के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC के समर्थन में नारेबाजी की और 19 दिसंबर को धर्मशाला में हुए CAA विरोध प्रदर्शन की जाँच की मांग की। जिला मुख्यालय धर्मशाला में बजरंग दल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र धीमान के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC के समर्थन में नारेबाजी की। 19 दिसंबर को धर्मशाला में हुए CAA विरोधी प्रदर्शन की जांच की मांग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपक्ष द्वारा देश भर में एक्ट का विरोध करते हुए राजनीति करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर को धर्मशाला की गांधी वाटिका में बाहर से कुछ वामपंथी लोग आए थे जिन्होंने धर्मशाला में बिना अनुमति देश विरोधी प्रदर्शन किया और यहां की जनता को देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, जिसका जवाब देने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की धर्मशाला में इजाजत ना दी जाए। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दीवान ने कहा कि CAA देश हित में, ये एक्ट नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए लाए गए हैं। विपक्ष द्वारा देश भर में एक्ट का विरोध करते हुए राजनीति करते हुए जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। 19 दिसंबर को धर्मशाला की गांधी वाटिका में बाहर से कुछ वामपंथी लोग आए थे जिन्होंने धर्मशाला में बिना अनुमति देश विरोधी प्रदर्शन किया और यहाँ की जनता को देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। जिला प्रशासन से मांग है कि इस तरह के किसी भी प्रदर्शन की धर्मशाला में इजाजत ना दी जाए। ये जो हमारा प्रदर्शन है वो सरकार द्वारा जो CAA एक्ट लाया गया और NRC जो लाया गया उसके समर्थन में है, क्योंकि वो देश हित में लाया गया है। देश के किसी भी मौजूदा नागरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नागरिकता लेने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है। जो विपक्ष द्वारा जो एक देश में माहौल खराब करने की राजनीति की जा रही है हम उसके विरोध में आए हैं। दूसरा, जो 19 दिसंबर को धर्मशाला गांधी वाटिका में वामपंथी कुछ जो बाहर से JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आए थे, उन्होंने आके बिना अनुमति के देश विरोधी प्रदर्शन किया है और यहाँ की जनता को देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है, जिसका जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हम आज प्रशासन से मांग करते हैं कि इस किस्म के किसी भी प्रदर्शन को हिमाचल में परमिशन ना दी जाए। जिन संस्थाओं ने उनका यहाँ पर आने पर समर्थन किया है उन सबकी CID जांच की जाए कि उनके देश विरोधी कहीं गतिविधियों में कोई संलिप्तता नहीं है, क्योंकि इस किस्म के प्रदर्शन की हिमाचल जैसे देवभूमि में कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल की जनता बहुत आक्रोशित है इसको लेकर, और आने वाले समय में माहौल खराब ना हो इसलिए।